हेलो फैमिली, आज हम बनाएंगे वड़ा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। और ये वड़ा की रेसिपी अगर अच्छा लगे तो आप भी बनाइए। और ये देखिए, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, हरा धनिया और प्याज, बस इतने ही सामान से हम टेस्टी वड़ा बनाएंगे काले चने का। ये देखिए, ये काला चना हमने मिक्सी में पीस लिया है हल्का दरदरा। अब इसमें ये सब सामान डाल देते हैं, प्याज, हरा धनिया और ये हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ता और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अब इसे हम मिला लेते हैं। आप एक बार ये बड़े को बना के देखिए, बहुत अच्छा स्वादिष्ट लगता है। अब चलिए इसमें और डाल लेते हैं सामान। ये थोड़ा सा नमक, हाफ चम्मच से भी कम, इसे भी हम मिला लेते हैं। पहले हम ऐसे ही मिलाएंगे, जितना उसमें पानी छूटेगा उसी हिसाब से फिर हम बेसन और उसके अकॉर्डिंग हम देखिए मिला के हमने सारे सारे प्याज का लच्चा को अलग कर लिया। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं 2 चम्मच। अब इसे हम मिला लेंगे। हम ज्यादा भी ये पाउडर वाले चीज नहीं डालेंगे, नहीं तो बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब ये बेसन डाल देते हैं। ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच से भी कम, छोटा चम्मच से 1/2 चम्मच है। अब इसे हम मिला लेते हैं। इसमें पानी जरा भी नहीं डालते हम लोग, इसे ऐसे ही मिलाते रहिए। आप अब अच्छे से मस्त बन सान के तैयार कर लेंगे इसे, फिर बनाएंगे। आप एक बार इस तरीके से काला चना बना के देखिए, बड़ा बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, अब मैंने तेल गरम कर लिया है एक कढ़ाई में। अब उसमें हम डाल लेंगे डालते समय फ्लेम को कम ही रखें। तेल गरम करने के बाद फ्लेम को कम कर दिया कीजिए। अब ये सारे बड़े को ऐसे गोल गोल करके डालेंगे। आप इस तरीके से बनाइए मेरे तरीके से, आपका बड़ा कभी खराब नहीं होगा और बहुत अच्छा लगेगा बनाने में और खाने में भी। अब बहुत इजी तरीके से बन जाता है। ये देखिए, एक एक करके हमने सारे बड़े को डाल लिए हैं। जब तक अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये अब पलट लेते हैं बड़े को। अब सारे बड़े को हमने पलट लिया है। फैमिली, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए। ये देखिए, हम इसे बस अभी इसी स्टेप तक पकाएंगे, पूरा से नहीं पकाएंगे, अभी आधा ही पकाएंगे। और इसे एक बर्तन में हम आपको निकाल के दिखाएंगे फिर आगे कैसे बनाते हैं। बहुत इजी तरीके से और घर के ही सामान से बन जाता है। इसे आप शाम के नाश्ते में खाइए या चावल दाल के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। ये देखिए, सारे बड़े को हमने निकाल लिया। अब चलिए आगे का प्रोसेसिंग हम दिखाते हैं। एक पन्नी लिए और ये देखिए, पन्नी के बीच में इसे रखे और ऐसे पुश कर दिए
अरे देखिए ऐसे दबाने के बाद कितना अच्छा बड़ा बन के निकलेगा। ये देखिए ऐसे गोल गोल सारे बड़े को हमने ऐसे ही दबाए हैं। ये देखिए मैं दूसरा भी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारे को हमने ऐसे ही पुश करके दबा लिया है पन्नी की सहायता से। अब ये देखिए फ्लेम को हम एकदम कम कर दिए हैं मीडियम, क्योंकि उसको सेकंड बाद हम तलेंगे, डालते समय कम ही रखेंगे। उसके बाद फिर मैं आगे बताती हूँ आपको, आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बनाएं, एक भी बड़ा ना टूटेगा ना कुछ, और बहुत अच्छा भी लगेगा खाने में। ये देखिए हल्के से हम चला लेंगे और उसको पलट अलट पलट के चलाते रहेंगे। ये बड़ा इतना करारी बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, बहुत अच्छा लगेगा। चाय वे के भी साथ खाएंगे, चाय के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए फ्लेम कम था, अब हम निकालना है तो हम इसे तेज कर लेंगे और अलट पलट करके थोड़ा सा लाल करेंगे, क्योंकि ज्यादा देर भी रखने से पूरा तेल पी जाता है बड़ा, इसीलिए तेज करके हम इसे लाल कर लेंगे और फिर निकाल देंगे। फिर सेकेंड टाइम डालने के समय फिर कम कर लेंगे हम। आप एक बार जरूर बना के देखिए, ट्राई कीजिए। आप एक बार बनाएंगे तो सप्ते में 2-3 बार खाएंगे इसे बना बना के, इतना अच्छा लगता है। ये देखिए मैं पूरा वीडियो आपको दिखा रही हूँ कैसे मैं बनाई हूँ, कैसे छानी हूँ। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन हो गया है। चलिए हम इसे एक बर्तन में आपको निकालते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए गोल्डन हो गया है, अब बहुत अच्छा क्रिस्पी बना है। तेल को हम ऐसी करछी से रोक रोक के फिर निकालेंगे बड़े को। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हमने बड़े निकाले हैं और खाने में भी बहुत अच्छा। आप एक बार जरूर बनाइए प्याज बड़ा, चने